हेलो गाइज एंड वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल फिजिक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटेल i5 3470 ग्राफिक्स ड्राइवर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही इजीली आपके पीसी या लैपटॉप में। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पीसी या लैपटॉप में कितने जीबी रैम है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं ये साइट का लिंक दे दूंगा, ऑफिशियल साइट है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो अब आपको यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आईडी मिलेगी, यहाँ पर लास्ट अपडेटेड डेट मिलेगी, यहाँ पर रिलीज डेट है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर लेटेस्ट पर ही क्लिक रखना। आप यहाँ पर लेटेस्ट पर ही क्लिक रखता हूँ मैं अभी। अब आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलेगा, यहाँ पर इंटेल ग्राफिक्स ड्राइवर्स फॉर थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ड्राइवर्स डाउनलोड मिलेगा। यहाँ पर ये ड्राइवर्स दो फॉर्मेट में मिलेगा, exe और यहाँ पर zip फॉर्मेट। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप exe फॉर्मेट में ही कीजिएगा ड्राइवर्स डाउनलोड। तो अब आपको यहाँ पर साइड में मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 7/64 बिट और विंडोज़ 10 के लिए। और यहाँ पर साइज नीचे दी गई है देख सकते हो आप, और यहाँ पर SHA वर्जन लिखा हुआ है, और यहाँ पर 32 बिट के लिए है। यहाँ पर आप आपके पीसी या लैपटॉप में कैसे चेक कर सकते हो 32 बिट है या 64 बिट है वो मैं बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पर सर्च बार में आने के बाद यहाँ पर 30 PC लिखना है। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आना है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सिस्टम टाइप मिलेगा, यहाँ पर 64 बिट है मेरी सिस्टम, तो मैं यहाँ पर 64 बिट करूँगा डाउनलोड। और आपके पीसी में यहाँ पर 32 बिट हो तो यहाँ पर 32 बिट ग्राफिक्स ड्राइवर ही कीजिएगा डाउनलोड, वरना सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ पर आपको। यहाँ पर अब आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मैं अभी 64 बिट कर लेता हूँ यहाँ पर डाउनलोड। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर, यहाँ पर देख सकते हो कम्प्लीटली ड्राइवर्स डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर 32 बिट ड्राइवर्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर 32 बिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर साइज दी गई है, और यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर सेम प्रोसेस है वही, यहाँ पर दोनों पर ही क्लिक करनी है। आप exe फॉर्मेट ही कीजिएगा डाउनलोड दोस्तों, वरना zip फॉर्मेट डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अलग से। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये इंस्टॉल हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको ड्राइवर्स डाउनलोड करने में या इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। और आपके पीसी या लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा दोस्तों, और उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।